स्विच थ्री ऑन। टर्निंग ऑन द स्विच थ्री। है ना, कितने अच्छे काम कर रहे हैं ये, हमारे दिल के बात भी मान रहे हैं। स्विच थ्री ऑफ, Got it. Turning off the switch 3. देखा फ्रेंड्स, हमारे मोबाइल को तो स्मार्ट बना लिया, अब बारी है रूम को स्मार्ट बनाना। और इन स्विच बोर्ड से आप दुनिया का किसी भी कोने से इसे ऑपरेट कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अलम मिस्त्री। फ्रेंड्स, आज हमारे पास लेसी जेनेसिस कंपनी का स्मार्ट स्विच बोर्ड है, और ये स्विच बोर्ड लाइट, फैन, एसी, गीजर के लिए सुटेबल है। लेसी जेनेसिस कंपनी ऑफर करती है वन प्लेट वन रूम ऑटोमेशन, मतलब एक ही बोर्ड से पूरी रूम को ऑटोमेट कर सकते हो। इसे आप टच से ऑपरेट कर सकते हो, ऐप से ऑपरेट कर सकते हो, एलेक्सा एंड गूगल से भी ऑपरेट कर पाओगे। और इसका पैकेजिंग भी बहुत जबरदस्त है और एक अच्छा ब्रांड माना जाता है। लगा सकते हो आपका पुराना बोर्ड में ये स्विच हटा के, हमारा ये स्मार्ट स्विच अब लगा सकते हैं। देखिए, जो जो चीज मैंने बताया यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, और इसमें 3 इयर्स वारंटी भी मिलता है, जो कि इंडिया में आदर्श ब्रांड में इतना वारंटी नहीं मिलता है। इस बोर्ड में हाथ लगा के समझ में आ रहा है ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है, और इसका स्मार्ट स्विच भी बहुत मजबूत। इन स्विच बोर्ड का क्वालिटी काफी अच्छा है, शायद इसीलिए इतना वारंटी दे पा रहा है। और इन स्मार्ट स्विच को टेस्ट करने के लिए इन 5 होल्डर का बोर्ड बनाया। इसके न्यूट्रल को सारे मैंने कॉमन कर लिया और फेज को बाहर निकाल लिया। और इस बोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए इस प्लेट को पहले निकालना पड़ता है। हर एक मॉड्यूलर बोर्ड में ऐसा सिस्टम रहता है, और इन बोर्ड को स्क्रू की मदद से फिट किया जाता है, उसके बाद प्लेट को लगाया जाता है। चलिए इसे कनेक्शन करके टेस्ट करके देखते हैं कनेक्शन कैसे हुआ। सब कुछ इसमें मार्क किया हुआ है, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूजर मैनुअल को देख के कनेक्शन कर सकते हो। तो पहले हम सारे न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे सारे न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, अब इसे आउटपुट निकाल लेंगे। ये जो L1, L2, L3, L4 ये सब लिखा हुआ है, ये सब आउटपुट लाइन है। आपका घर का पुराना बोर्ड को हटा के नया बोर्ड लगा के अब इसे खुद ही कनेक्शन कर सकते हैं, इतना आसान कनेक्शन है। चलिए प्रोडक्ट कनेक्शन करते हैं, देखते हैं। फैन का स्विच में एक न्यूट्रल लाइन है और एक लाइव लाइन है, न्यूट्रल जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइव लाइन निकाल लेंगे। हम एक ही स्विच से लाइट को भी चलाएंगे और प्लग पॉइंट को भी चलाएंगे। अब ये लाइव लाइन को कनेक्ट करेंगे। ये जो PL लिखा हुआ है इसे फेज लाइन भी बोला जाता है और लाइव लाइन भी बोला जाता है। कनेक्शन कंप्लीट, अब टेस्ट करते हैं। सारे होल्डर में हम बल्ब लगा लेंगे। फैन के रेगुलर टेस्ट करने के लिए 100 वाट का बल्ब लगा लिया। देखिए पावर सप्लाई देती सारी लाइट ऑन हो गया। देखिए टच स्विच कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। देखिए फैन रेगुलेटर पे कितना अच्छे से काम कर रहा है। अंधेरे में स्विच ऐसे दिखेगा, मतलब अंधेरे में हमें स्विच ढूंढना नहीं पड़ेगा। और स्विच को ऑन करते देखिए स्विच का कलर चेंज हो गया। अब इन स्विच बोर्ड को हम मोबाइल से ऑपरेट करेंगे, इसके लिए स्मार्ट लाइफ ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। एग्री पे क्लिक कर लेंगे। इसमें अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कर लेना, नहीं तो साइन अप पे क्लिक करके एक नया अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पे हम मेल आईडी दे देंगे और यहाँ पे वेरीफाई कोड दे देना है, यहाँ पे एक पासवर्ड दे देंगे। अकाउंट क्रिएट हो गया, अब गो टू ऐप में क्लिक करेंगे। एड डिवाइस में क्लिक करके हमारा डिवाइस को हमारा वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेंगे। आपके घर में अगर वाईफाई नहीं है तो अब ब्लूटूथ से मोबाइल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। हमें एक बात का ध्यान रखना है, वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो ही दुनिया का किसी भी कोने से इसे हम ऑपरेट कर पाएंगे। सबसे पहले हमारा मोबाइल को हमारा घर का वाईफाई से कनेक्ट करना है। इलेक्ट्रिकल के अंदर स्विच वाईफाई में आना है। यहाँ पे वाईफाई देखिए स्विच के साथ वाईफाई को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें रिसेट करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक स्विच को 4-5 सेकंड दबा के रखेंगे तो रिसेट हो जाएगा अपने आप। एक क्विक ब्लिंक कर रहा है तो हम क्विक ब्लिंक में क्लिक करेंगे। देखिए हमारा स्विच वाईफाई के साथ कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो गया। डन पर क्लिक कर देंगे। अभी लोडिंग ले रहे हैं। देखिए अब मोबाइल से ऑपरेट करेंगे। देखिए हमारा स्विच कितना अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। फ्रेंड्स, हमारा सिस्टम रेडी। इस सिस्टम को हम वॉइस कमांड से वर्क कर पाएंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि फैन रेगुलेटर और 4 स्विच ये पे कनेक्ट करके रखा है, यहाँ से जैसे कि मैंने ऑन ऑफ कर पा रहा हूँ। और यहाँ से हम टाइमर भी लगा सकते हैं, जो कितने बजे ऑन होना, कितने बजे ऑफ होना, टाइमर भी लगा सकते हैं। सबको बंद कर दिया, फैन को भी बंद कर देते, बंद हो गया। इसके बाद हम इसे वॉइस कमांड से ऑपरेट करेंगे। इसमें क्लिक करेंगे, फिर इसमें क्लिक करना होगा। इधर है हमारा गूगल असिस्टेंट, इसमें क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे रीलिंक पे क्लिक करना है, कंटिन्यू कर लेंगे। एग्री एल लिंक में क्लिक करना है,
और यहाँ से सारे डिवाइस को हम ऐड कर लेंगे। देखिए अब सारे सिस्टम हमारा गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्ट हो गया। इधर से भी हम टच करके ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अब वॉइस कमांड देके ऑपरेट करके देखते हैं। तो हमें गूगल असिस्टेंट में आना है। डोर लाइट ऑन। ओके, टर्निंग ऑन द डोर लाइट। देखा कैसे काम कर रहा है। डोर लाइट ऑफ। श्योर, टर्निंग ऑफ द डोर लाइट। है ना, कितना मजा आ रहा है। टू स्विच ऑन। श्योर, टर्निंग ऑन द स्विच टू। स्विच टू ऑफ। Sure. इसे आप कोई भी नाम लेके सेव कर सकते हो। मेरा नाम सेव नहीं किया था। स्विच थ्री ऑन। Got it. Turning on the switch three. है ना, कितना अच्छे काम कर रहे हैं। ये हमारे दिल के बात भी मान रहे हैं। स्विच थ्री ऑफ। Got it. Turning off the switch three. देखा फ्रेंड्स, कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। स्विच फोर ऑन। All right. Turning on two switches. स्विच फोर ऑन हो गया। All switch off. Got it. Turning off 5 switches. कोई और हमारे बात माने या ना माने, ये स्विच जरूर बनता है।